राजस्थान के जयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला ऐसा है कि देख करके आप हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे, आपका दिल दहल जाएगा। मामला कुछ इस प्रकार का है कि एक बिहार की रहने वाली महिला थी, जो बहिया बिहार के मुंगेर की रहने वाली थी, जो कुछ समय पहले यानी बिहार से राजस्थान आ जाती है, यानी कि बिहार से भाग करके राजस्थान आ जाती है। वो वापस बिहार जाना चाहती है। बिहार जाने के लिए वो जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां पर एक ट्रेन खड़ी थी, वो ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से अहमदाबाद जाती है। वो जा रही थी अहमदाबाद की तरफ ही। जब ऐसी कोच का अटेंडेंट था, उससे वो महिला पूछती है कि मुझे पटना जाना है, ये ट्रेन पटना जाएगी क्या? लेकिन वो अटेंडेंट होता है, वो उसे बोलता है कि ये ट्रेन अहमदाबाद जाएगी, लेकिन आपको मैं पटना पहुंचा दूंगा। मतलब कि उस महिला को वो अटेंडेंट झांसा दे देता है। महिला उसके झांसे में आ जाती है। उसे पता नहीं होता है कि अहमदाबाद से मैं पटना कैसे पहुंचूंगी, ये ट्रेन तो अहमदाबाद जा रही है। लेकिन वो उसकी बात सुन करके उस ट्रेन में बैठ जाती है। अटेंडेंट उसे जो सेकंड स्लीपर होता है उसमें बैठा देता है और ट्रेन वहां से जयपुर स्टेशन से निकल जाती है। जैसे ही ट्रेन वहां से निकलती है, करीबन 30 मिनट बाद महिला को नींद की झपकी आ जाती है। और यही चीज जो अटेंडेंट था, सुनील नाम था उसका, वो यही देख रहा था कि कब महिला को नींद की झपकी आए और कब वो उस वारदात को अंजाम दे। जैसे ही ट्रेन आगे निकली, 30 मिनट बाद महिला को नींद की झपकी आ गई और झपकी आने के बाद जो अटेंडेंट था वो महिला के मुंह पर कपड़ा बांध देता है और कपड़ा बांध करके फिर महिला के साथ रेप करता है। और जैसे ही रेप हो जाता है, फिर वो अटेंडेंट वहां से चला जाता है। महिला की जैसे ही आंख खुलती है तो महिला के बदन पर कपड़े नहीं होते हैं। जैसे ही महिला के बदन पर कपड़े नहीं होते हैं, महिला को ये चीज का पता चलता है, तो महिला दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है कि उसके साथ क्या हो गया। फिर वो अहमदाबाद स्टेशन आ जाता है। वहां राजधानी एक्सप्रेस रुकती है और महिला स्टेशन के बाहर जाकर के ऑटो रिक्शो वालों से पूछती है कि मुझे पटना जाना है। जैसे ही वो उन ऑटो रिक्शो वालों के पास ये बात बोलती है कि मुझे पटना जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी, तो वहीं खड़ा एक जीआरपी का जवान खड़ा था, वो उस बात को सुन लेता है। जैसे ही वो उस बात को सुनता है, तुरंत महिला को वो पुलिस थाने पहुंचाता है और पुलिस थाने पहुंचा करके चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना कर देता है और उस महिला से पूछताछ की जाती है कि वो यहाँ अहमदाबाद से पटना कैसे जा रही है। उसके साथ वो पटना जाने के लिए तो ट्रेन अलग से जाती है, वो अहमदाबाद कैसे पहुंच गई, इस मामले की जो पुलिस में जो रिपोर्ट होती है वो जांच करते हैं। महिला से पूछते हैं तो महिला पूरी आबीती बताती है कि मेरे साथ घटना यह घटित हुई कि महिला बताती है कि मैं कुछ समय पहले बिहार के मुंगेर से राजस्थान भाग के आ गई थी। उसके बाद मुझे वापस पटना जाना था। मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पर इस राजधानी एक्सप्रेस के एक अटेंडेंट से पूछती हूँ तो उसने मुझे बताया कि मैं उसे पटना पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे उस ट्रेन में मेरे साथ ही हुआ ऐसा कि जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, 30-35 मिनट बाद मेरे साथ ही मेरे को नींद आ गई और नींद आने के बाद उस अटेंडेंट ने मेरे साथ रेप किया। यह बात महिला पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और मुकदमा दर्ज कर करके महिला को पूरी जांच करवाते हैं। महिला का मेडिकल रिपोर्ट जो मेडिकल होता है वह करवाते हैं और मेडिकल से पता चलता है कि महिला के साथ रेप हुआ है।
और रेप भी कहां हुआ, यानी राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से अहमदाबाद चलती है, उस चलती हुई ट्रेन में एक बिहार की महिला के साथ रेप की घटना घटित होती है और वो होती है स्लीपर का जो अटेंडेंट होता है कोच का, वो उस महिला के साथ रेप करता है और उसे जाना था पटना और अहमदाबाद पहुंचा देता है। और वो वैसे तो उसे पटना जाना था और वो बता भी देता है कोच का जो अटेंडेंट होता है वो, कि भाई मैं ये ट्रेन है ये दिल्ली से अहमदाबाद जाती है, मैं अहमदाबाद आएगी ये ट्रेन, लेकिन वो उसे झांसा दे करके उस ट्रेन में बैठा लेता है और उसे अहमदाबाद छोड़ लेता है, क्योंकि बीच के सफर में वो अटेंडेंट उस महिला के साथ में रेप करता है और उसके बाद महिला वहां से निकल जाती है, अहमदाबाद उतर जाती है। उतरने के बाद उस अटेंडेंट को पता ही नहीं होता है कि वो महिला कहाँ चली गई। मुकदमा दर्ज जरूर होता है दोस्तों, लेकिन वो ही बात हो गई कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब महिला ने, अगर उतरते ही महिला ने जीआरपी को अगर ये सूचना दे दी होती, जीआरपी पुलिस को ये सूचना दी होती, तो शायद उस ट्रेन का जो राजधानी एक्सप्रेस में जो अटेंडेंट था वो शायद पकड़ा जाता। लेकिन महिला ने ऐसा किया नहीं, महिला स्टेशन के बाहर चली जाती है, ऑटो रिक्शा वालों से पूछती है कि मुझे पटना जाना है, और उस समय एक जीआरपी का जवान वहां खड़ा रहता है, उसे पता चलता है कि महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो उस महिला की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाता है और जो चाइल्ड हेल्पलाइन होती है उसको सूचना देता है। उसके बाद महिला का मुकदमा दर्ज होता है, महिला की मेडिकल होता है महिला के का, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि महिला के साथ दरिंदगी हुई है, यानी रेप हुआ है। इतने समय में तो जो राजधानी एक्सप्रेस थी वो वापस अहमदाबाद से दिल्ली रवाना हो जाती है। कौन अटेंडेंट था किसी को पता नहीं चलता है, और जो आरोपी होता है वो सावधानी आसानी पूर्वक वहां से निकल आता है। दोस्तों ऐसी ही घटनाएं ट्रेनों में बहुत हो रही है, लेकिन इन चीजों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो उनके साथ ऐसी दरिंदगियां होती है, ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, तो वो उतरने के बाद पुलिस को सूचना नहीं करती है, क्योंकि उन्हें डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, उसे यहां तक कि उनको मारने तक की धमकी दे दी जाती है। इसलिए महिलाएं जो होती हैं वो डर जाती है, और डर के मारे वो ऐसी सूचनाएं पुलिस को नहीं देती है, और ये नहीं देने के कारण ही ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनमें कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी होते हैं वो एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं, जब वो महिला किसी को नहीं बताती है तो उनका हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही हौसला बढ़ता है वो लोग किसी दूसरी महिला को अपना शिकार बनाते हैं और दूसरी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी को का अंजाम दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसी अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना घट जाए, ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो तुरंत ही पुलिस में जाकर के इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि अगर हम सचेत, हम सतर्क नहीं होंगे, हम जागरूक नहीं होंगे, तो शायद हमारे साथ, हमारी महिलाओं के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे, क्योंकि महिलाओं को ही आगे आना होगा, क्योंकि उन्हीं को यह हक है, और वही उन्हीं के साथ ऐसी दरिंदगियां, ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, एक दूसरी महिला का सहयोग करना चाहिए, और सहयोग करके अगर जो दरिंदगी करता है, अत्याचार करता है, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ दिन प्रतिदिन ये मामले बढ़ते ही जाएंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आज हमारे साथ हुआ है और हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं, तो अगले दिन किसी दूसरी महिला के साथ रिपोर्ट ऐसी घटना घट सकती है, फिर अगर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया तो किसी तीसरी महिला के साथ ऐसा हो सकता है। यही मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो दोस्तों
हमें जागरूक बनना है, हमारी माताओं बहनों को जागरूक बनना है कि उनके साथ अगर कुछ भी हो तो शर्म ना करे, बेखौफ होकर के पुलिस थाने जाए, रिपोर्ट दर्ज करवाए। अगर वहां आपकी रिपोर्ट सुनवाई नहीं होती है तो आप एसपी जो पुलिस अधीक्षक होता है उनके पास जाकर के अपना मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, अपनी आबिती बता सकते हो। जरूर पुलिस वाले सुनेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, तो लेकिन करेंगे तब जब हम जागरूक होंगे। उन्हें जाकर के हम बताएंगे अपनी आबिती कि हमारे साथ ऐसी दरिंदगी हुई है, हमारे साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, तभी वो लोग हमारी जो मामला होता है उसे दर्ज कर करके जांच शुरू करेंगे। अगर हम ये चीज नहीं बताएंगे तो दोस्तों उनको नहीं पता चलेगा। इसलिए जागरूक बनो, सचेत रहो, और जैसे ही कहीं भी सफर करो तो एक सेफ सफर करो। ध्यान रहे कि कोई हमारे पीछा नहीं कर रहा है, कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है। उस चीज का महत्वपूर्ण ध्यान रखे कि कोई हमारे पीछा कोई आ तो नहीं रहा है, कोई हमारा पीछा कर तो नहीं रहा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वो अकेली महिला अकेली लड़की को देख करके उसका पीछा करते हैं, और उसके बाद इस जो घिनौनी हरकतें होती है, जो घिनौनी वारदात होती है, उनको अंजाम देते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रहे और सेफ रहे, सफर करे तो सेफ सफर करे, ध्यान रहे हर चीज का, और अपना खुद का ध्यान खुद रखें।